नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कर्क रेखा के बारे में। तो कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है, तो इसको हम ट्रिक के माध्यम से आपको समझाएंगे। तो दोस्तों देखिए, चलिए बात करते हैं। दोस्तों इसकी ट्रिक है, ये आपको याद रखनी होगी। मित्र पर गमछा जा, मित्र पर गमछा जा। दोस्तों आपको पता होगा कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो अब इन 8 राज्यों के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपको पता होगा कि कर्क रेखा जो है भारत के मैप से बीचों बीच से होकर गुजरती है। जैसे कि दोस्तों ये भारत का मैप है, मान लीजिए, तो इसके बीचों बीच से होकर के इस प्रकार कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा, तो ये दोस्तों आपको पता होगा। तो चलिए हम अब इस ट्रिक की बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए, अब मी का मतलब होता है, यहां पर मी का मतलब होता है मिजोरम। मी का मतलब क्या होता है? मिजोरम। तिर का मतलब है दोस्तों यहां पे त्रिपुरा। तिर का मतलब क्या है दोस्तों? त्रिपुरा। अब बात करते हैं हम पर में पा का मतलब और रा का मतलब देखते हैं। पा का मतलब होता है दोस्तों पश्चिम बंगाल। पाक का मतलब क्या है दोस्तों? पश्चिम बंगाल। और रा की बात करें हम, तो रा का मतलब है दोस्तों राजस्थान। रा का मतलब क्या है? राजस्थान। अब बात करते हैं हम गमछा में गा का मतलब, मा का मतलब और छा का मतलब क्या होता है। गमछा में दोस्तों गा का मतलब होता है गुजरात। गा का मतलब क्या है? गुजरात। गा का मतलब है गुजरात। मा का मतलब क्या है? मध्य प्रदेश। मा का मतलब क्या है? मध्य प्रदेश। मा का मतलब है मध्य प्रदेश। छा का मतलब है दोस्तों छत्तीसगढ़। छा का मतलब है दोस्तों छत्तीसगढ़। अब बात करते हैं हम झार। तो झार का मतलब दोस्तों हम आपको बताते हैं, झार का मतलब है यहाँ पे झारखंड। झार का मतलब क्या है दोस्तों? झारखंड। तो ये हो गई कर्क रेखा की। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहली बात करते हैं हम मित्र पर गमछा जा, ये ट्रिक आपको याद रखनी। इस ट्रिक के माध्यम से हम आप कर्क रेखा को समझ सकते हैं। तो आपको पता होगा कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो देखिए दोस्तों, मित्र पर गमछा जार, मी का मतलब होता है यहाँ पे मिजोरम, त का मतलब होता है यहाँ पे त्रिपुरा, पा का मतलब होता है यहाँ पे पश्चिम बंगाल, रा का मतलब होता है दोस्तों राजस्थान, गा का मतलब होता है यहाँ पे गुजरात, मा का मतलब होता है यहाँ पे मध्य प्रदेश, छा का मतलब होता है दोस्तों छत्तीसगढ़, और झार का मतलब होता है जो दोस्तों झारखंड। तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो अब राजस्थान के संदर्भ में यदि हम बात करें, तो राजस्थान के संदर्भ में जो कर्क रेखा है राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरती है, और राजस्थान के दक्षिण में 2 जिलों से होकर के ये गुजरती है। तो डूंगरपुर और दोस्तों बांसवाड़ा। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये बात हो गई दोस्तों कर्क रेखा की। तो कर्क रेखा के बारे में आपको हमने इस वीडियो में संपूर्ण नॉलेज दी है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे आप पल पल की खबरें और लेटेस्ट ज्योग्राफी की वीडियो आप हमारे सुप्रीम जीएस अकेडमी यूट्यूब चैनल के द्वारा आसानी से पाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।